डेकाडुराबोलिन 100 इंजेक्शंस, डेकाडुराबोलिन 100 एमजी इंजेक्शंस का क्या यूज है, कभी इसको यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या कंपोजिशन डाल के और किस पर काम करता है। तो डेकाडुराबोलिन 100 एमजी इंजेक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी जो वीडियो के अंत तक बन रही चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किया, फिर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं डेकाडुराबोलिन 100 एमजी इंजेक्शन जो कि हमारे पास 1 ml का एम्पल्स है, जिसकी एमआरपी की बात करें उसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास इंजेक्शन है उसकी एमआरपी 670। डेकाडुराबोलिन 100 एमजी इंजेक्शन को जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। डेकाडुराबोलिन 100 एमजी इंजेक्शन के अंदर कंपोजिशन की बात करें, इसके अंदर कंपोजिशन से नैंड्रोलोन्स डेकानोइड्स 100 एमजी इसके अंदर डाले गए हैं। डेकाडुराबोलिन 100 एमजी इंजेक्शन का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल रजोनिवर्ती के बाद ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में किया जाता है। रजोनिवर्ती के बाद ऑस्टियोपोरोसिस का उपचार, ऑस्टियोपोरोसिस एक सामान्य स्थिति है जो हड्डियों को कमज़ोर कर देती है जिससे वे नाजुक हो जाती है और उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। यह अक्सर महिलाओं में रजोनिवर्ती एक महिला के मासिक धर्म चक्र की समाप्ति के बाद होता है और इसे रजोनिवर्ति के बाद ऑस्टियोपोरोसिस के रूप में जाना जाता है। डेकाडुराबोलिन 100 एमजी इंजेक्शन हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करता है और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करता है। यह हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में भी मदद करता है और हड्डी के फ्रैक्चर्स के जोखिम को भी कम करता है। डेकाडुराबोलिन 100 एमजी इंजेक्शन में नैंड्रोलोन होता है जो एनाबोलिक स्टेरॉइड नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। इसका उपयोग रजोनिवर्ती के बाद महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस, कुछ प्रकार की एनीमिया, स्तन कैंसर्स महिलाओं में के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग दीर्घकालिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पर रोगियों के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। डेकाडुराबोलिन 100 एमजी इंजेक्शन ट्रीटमेंट करता है पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में। डेकाडुराबोलिन 100 एमजी इंजेक्शन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में हो सकता है पैरों टखने या पैरों में सूजन्स, बॉडी में तरल की अधिकता, स्तनवर्धन, अनिद्रा, सोने में कठिनाई, जी मिचलाना, मुहासे होना, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। डेकाडुराबोलिन 100 एमजी इंजेक्शन किस प्रकार काम करता है? डेकाडुराबोलिन 100 एमजी इंजेक्शन एक एनाबोलिक स्टेरॉइड है जो पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की प्रभाव की नकल करता है। ये हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है जो ऑस्टियोपोरोसिस के कारण पतली और नाजुक हो जाती है। डेकाडुराबोलिन 100 एमजी इंजेक्शन के बारे में कुछ भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। डेकाडुराबोलिन 100 एमजी इंजेक्शन का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था।